बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। ये अभी बाजार में बार बार क्या पब्लिक की शिकायत आ रही है, रोड जाम हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उस कारण श्रीमान SP साहब बीकानेर द्वारा आदेश दिया गया कि जो भी रेडी गाड़ी लग रहे हैं इनको सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर कितने दिन चलेगी कार्रवाई? और कार्रवाई तो चलेगी, जो लगेंगे उनको लाएंगे बराबर निरंतर। बीच बाजार में युवक के साथ हुआ लाठियों से हमला। बीकानेर में युवक को रास्ते में रोक के उसके साथ मारपीट करने का मामला कोटगेट पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। नोखा में हुई सभी प्रकार के खेल प्रतियोगिता। श्री ओम इंग्लिश पब्लिक स्कूल में हुआ स्पोर्ट मीट प्रोग्राम। हमारी बॉडी ऐसे फिजिकली स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसे मेंटली तो स्ट्रांग ही होती है पढ़ाई से, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि फिजिकल के लिए खेल कूद जरूरी है। आपके स्कूल में किस प्रकार खेल कूद ज़्यादा होते हैं? हमारे स्कूल में हर बार कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन होता है उसको इक्वल मान्यता दी जाती है। अभी हमारे स्पोर्ट्स डे चल रहा है तो हम स्पोर्ट्स डे पे अपना पूरा मेंटलिटी उसी पे डिपेंड कर रहे हैं, और जब हमारी स्टडीज होती है तो हम मेंटली स्टडीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। शेर कांग्रेस में धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। ध्वजारोहण करके वीरों को दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 133वें स्थापना दिवस पर बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय डागा चौक में स्थापना दिवस पर पार्टी का ध्वजारोहण वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश राजस्थानी ने किया। बीकानेर में युवती को ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। बीकानेर के युवा गायक विशाल राव एक म्यूजिक वीडियो की आज बीकानेर के होटल वृंदावन में म्यूजिक लॉन्च सेरेमनी आयोजित की गई।